हेलो दोस्त, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेक्चर 3 है। तो आज के लेक्चर में हम लोग आइडेंटिफायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते क्या हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यह एक बहुत ही सरल और आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के कारण पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने सन 1972 के आसपास AT&T लैब में डेवलप किया गया। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज को दो कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है लो लेवल लैंग्वेज, जो कि यह बाइनरी फॉर्मेट में होता है, मीन्स वन और जीरो के रूप में होता है। हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ बिट के रूप में होता है और कंप्यूटर के लिए समझने योग्य होता है। सेकेंड में हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि यह हमेशा इंग्लिश फॉर्मेट में होता है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, सी शॉर्प या जावा या अदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानव द्वारा समझने योग्य होता है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस गैप हो गया है। किसके किसके बीच में? कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो चुका है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी समझ रहा है और मानव इंग्लिश समझ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक अनुवादक की आवश्यकता होगी। तो हम अनुवादक के रूप में कंपाइलर को यूज़ करेंगे। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। तो आइए देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कोड को एक्सप्लेन करते हैं। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। हैज़ का मतलब होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर करने का मतलब है कि सबसे पहले आप कॉलेज चलाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है। कॉलेज चलाने के लिए आपको पहले बिल्डिंग की आवश्यकता होती है, लेब, लाइब्रेरी, गार्डन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से अगर प्रिंटिव, स्कैनिव और कुछ अदर फंक्शंस को आप यूज़ करना चाहते हैं तो प्री प्रोसेसर का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें सारे चीज़ रिलेटेड फंक्शन इनबिल्ड होते हैं। इंक्लूड मीन्स जोड़ना। किसको जोड़ना? इन लाइब्रेरी फंक्शंस को जोड़ना। STD का मतलब है स्टैंडर्ड, I का मतलब है इनपुट और O का मतलब है आउटपुट, H का मतलब है हेडर। इस लाइन को हेडर फाइल कहा जाता है और इस लाइन को भी हेडर फाइल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? CON का मतलब कंसोल। जब भी हम प्रोग्राम करेंगे ब्लैक कलर का स्क्रीन आएगा, उसे हम लोग कंसोल कहते हैं। उसके बाद I का मतलब है इनपुट, O का मतलब है आउटपुट, H का मतलब है हेडर। तो इस कंसोल में रिलेटेड फंक्शन इनबिल्ड होते हैं, जैसे कि CLR, SCR फंक्शन, GETCS फंक्शन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। वाइड क्या है? वाइड हमारा एक कीवर्ड है। किस टाइप का कीवर्ड है? नॉन रिटर्न टाइप ऑफ कीवर्ड है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मेन कोई नाम है और ये हमारा फंक्शन का सिंबल है। तो मेन नाम का कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? हेडर फंक्शन बोलेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया जाता है। कौन कौन सी कंडीशन पर किया जाता है? जब फंक्शन को परिभाषित करते हैं, मीन्स डिफिनेशन करते हैं, या फिर कंडीशन ओपन करते हैं, या लूपिंग का प्रयोग किया जाता है, उस कंडीशन पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया जाता है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन, या कौन सी हेडर फाइल से निकला हुआ है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से निकला हुआ है। और लास्ट में सेमी कॉलन लगाते हैं, मीन्स यह हमारा एक क्या है? स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई लाइन होता है और किसी भी लाइन को सेमी कॉलन द्वारा एंड किया जाता है, उसे हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट जानते हैं हम लोग कि दो टाइप में बांटा गया है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। तो नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होगा? जो विदाउट कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखा जाता है, उसे हम लोग नॉर्मल स्टेटमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में इंट ए इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, ए प्लस प्लस सेमी कॉलन, प्रिंट ए, फिर परसेंट डी ए करके सेमी कॉलन लगा रहे हैं। ये हमारा क्या है? एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। और सेकेंड में कंपाउंड स्टेटमेंट, क्योंकि हम इसी लाइन को ही किस में लिखे हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखे हैं, इसलिए वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट को अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, वह हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। तो स्टेटमेंट का आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। प्रिंटेफ फंक्शन, ये कौन सी हेडर फाइल से निकला हुआ है? इंस्टेटर इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से प्रिंटेफ फंक्शन निकला हुआ है और डबल कोटेशन के अंदर में हेलो स्टूडेंट। तो ये स्क्रीन में हमारा कंसोल विंडो में आने वाला है। गेट सी एस
कौन सी हेडर फाइल से निकला हुआ है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से गेट सी एस फंक्शन निकला हुआ है। इस फंक्शन का मतलब है कि जब तक यूजर ना चाहे तब तक की स्क्रीन को होल्ड के रख के रखा जाता है। उसके बाद यहाँ से कैलिब्रेशन क्लोज। कीवर्ड, तो कीवर्ड क्या होते हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड को पहले से परिभाषित किया गया है और यह वेरिएबल के नामों, फंक्शन के नामों के लिए प्रयोग किया जाता है। कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है सिर्फ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। जैसे कि वाइड, तो हम लोग जानते हैं कि वाइड एक नॉन रिटर्न टाइप ऑफ कीवर्ड होते हैं। एंड क्या होता है? रिटर्न टाइप ऑफ कीवर्ड होते हैं जो कि किसी भी इंटीजर का 16 बिट मान स्टोर करके रखता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यूज़ करते समय मैं डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के बारे में और आपको बताऊंगा अच्छे से। तो आप कीवर्ड के बारे में पहले आप नोट्स ले लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आइडेंटिफायर होते क्या हैं? तो आइडेंटिफायर एक ऐसा अक्षर या अक्षरों का समूह या संख्याओं का एक क्रम या स्पेशल सिंबल, मींस अंडर स्क्वायर के अलावा कोई दूसरा स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं करेंगे और न ही कोई कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर, ये हमारा एक कीवर्ड है न कि आइडेंटिफायर होगा। अगर हम इसको कैपिटल एफ वार लिखेंगे तो ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर हो सकते हैं। एट द रेट अगर यूज़ करेंगे तो ये हमारा आइडेंटिफायर नहीं होगा। हम जानते हैं कि सिर्फ अंडर स्क्वायर ही वैलिड आइडेंटिफायर होते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्त कि यहाँ पे एफ फिर स्पेस देने के बाद ओ आर अगर लिखते हैं तो ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा, क्योंकि दो अक्षरों के बीच में स्पेस को भी आइडेंटिफायर नहीं कहते हैं। तो एक प्रोग्राम है दोस्तों, वाइट मेन कैलिब्रेसिस ओपन एंड क्लोज इंट अंडर स्क्वायर मीन्स कोई वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू नाइन मीन्स कोई वेरिएबल क्या है हमारा अंडर स्क्वायर करके है और इसमें नाइन वैल्यू इसके अंदर में इनपुट है। उसके बाद हम प्रिंट कराना चाहते हैं अंडर स्क्वायर की वैल्यू को, तो अंडर स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारा नाइन है, तो ये हमारा आउटपुट में नाइन आने वाला है। और गेट सी एस का मतलब तो आप जानते हैं कि जब तक यूजर ना चाहे तब तक के स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। तो आइडेंटिफायर के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।